हेलो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टोटल फीस स्ट्रक्चर है, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, चाहे वो मतलब पॉट मनी हो या फिर हॉस्टल फीस हो, कितनी फीस जो है वो आपको बीएससी नर्सिंग की जो ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको पे करनी होती है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी पे करनी होती है। एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होती है वो टोटल 25 रुपये है। मतलब जब भी आपका एडमिशन होगा और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको टोटल 25 रुपये जो है वो पे करने होंगे, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्यूशन फीस को। तो आप ये जो पीडीएफ है इसमें देख सकते हो कि जो ट्यूशन फीस है बीएससी नर्सिंग के लिए वो टोटल 600 रुपये है 4 साल के। मतलब टोटल आपको जो 600 रुपये हैं वो आपको पे करने हैं ट्यूशन फीस के तौर पर, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के जो कोर्सेज हैं उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉट मनी। पॉट मनी आपको पे करनी होती है जब आप मतलब जो बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करते हो, और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो पॉट मनी आपको पे करनी है टोटल 4 साल के दौरान वो 960 रुपीज़ है, ठीक है। तो इतनी पॉट मनी आपको जो है वो जब आपका मतलब बीएससी नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये 960 रुपीज़ जो है वो पे करनी है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल रेंट के बारे में। हॉस्टल रेंट जो आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में जो पे करना होता है टोटल 4 साल के दौरान वो 480 रुपीज़ है, ठीक है। इतनी आपको फीस जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग के कोर्स ड्यूरेशन के दौरान अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको इतनी फीस जो है वो पे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौशल मनी। आपको जो स्टूडेंट सिक्योरिटी के लिए लगभग 100 रुपीज़ जो है वो आपको सबमिट करने होते हैं। ये जितने भी पैसे आपको पे करने हैं वो आपको जो आपका एडमिशन होगा उसी टाइम पर आपको सबमिट करनी है फीस, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्टल सिक्योरिटी के तौर पर आपको 1000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करने हैं, और ये भी आपको जब आपका एडमिशन होगा उसी टाइम पर आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको अगर कंटिन्यू करते हो तो एडमिशन जैसे आपका सिलेक्शन होगा, आपका एडमिशन होगा, उस टाइम पर आपको ये जो फीस है उसको सबमिट करनी है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको हॉस्टल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप हॉस्टल नहीं प्रेफर करते हो तो आपको ये फीस जो हॉस्टल की है वो सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग की जो 4 साल की कोर्स ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको जितनी भी फीस पे करनी है उसका एक फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपके जो एम्स का फीस स्ट्रक्चर है या फिर जो टोटल नंबर ऑफ सीट है या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।